गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? घर पे पढ़ाई हो रही है ना बच्चों? इससे पहले मैंने आप लोगों को भाषा पढ़ाया था। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक संजीवनी से हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है वर्ण तथा वर्णमाला। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने भाषा पढ़ लिया है, तो अब मैं आज वर्ण के बारे में पढ़ाई की वर्ण किसे कहते हैं। जैसे आप अपने घर में आस पास इधर उधर चारों तरफ बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, हमारे मुख से भी बहुत सारी आवाजें निकलती है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मेरे मुख से आवाज निकल रही है ना, तो इसे हम ध्वनि भी कहते हैं और इन ध्वनियों से ही वर्ण बनते हैं, वर्ण या अक्षर बनते हैं। जब बोल रही हूँ कोई अक्षर बोल रही हूँ ना, तो इसे ही हम इन ध्वनियों को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो जैसे खा लो, पी लो, सो जाओ, बैठो, पढ़ो, ये सब क्या है? शब्द है। ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं, शब्द है, लेकिन इनमें छोटे छोटे क्या है, अक्षर भी जुड़े हैं, मात्राएं भी जुड़ी है। तो अब मैं इन अक्षरों और मात्राओं को आपको अलग करके बता रही हूँ। इसे ही हम जब मैं एकदम छोटा से छोटा इसको कर देंगे, तो इसे ही हम वर्ण कहते हैं। और एकदम छोटा, जब एकदम छोटा हो जाएगा, तो इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो ये तो मैं आपको अभी बोल के बता रही हूँ, अभी मैं आपको लिख के समझाने जा रही हूँ। उसे ध्यान से देखिए कि इसको मैं वर्ण के रूप में, इन शब्दों को वर्ण के रूप में मैं कैसे परिवर्तित कर रही हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक मछली का पिक्चर बनाया है। देखने में समझ में आ रही है एक मछली है, और इसको मैंने यहाँ पे टिक भी दिया है, मछली। अब ये तो एक साथ इसमें व्यंजन और स्वर दोनों इस शब्द में आए, जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैंने नीचे केवल व्यंजन को तोड़ तोड़ के, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को तोड़ के अलग किया है। जैसे म प्लस छ प्लस ली, ये तो एक भाग इसका हो गया। अभी भी इसमें व्यंजन और स्वर स्वर जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। माँ में अब बोल रहे हैं, आपको पता है कि हर व्यंजन में की मात्रा जुड़ी होती है, तो माँ में हमें एक अजुड़ा हो रहा है, छ में भी आप अजुड़ा हो रहा है, और हमें बड़ी की मात्रा जुड़ी होती है। अब मैं इसको और छोटा करके आपको दिखा रही हूँ कि इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं। जैसे माँ हलन, इसको ऐसे करेंगे कि इसको हलन बोलते हैं, प्लस अ प्लस प्लस बड़ी की मात्रा, लगे किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा। देखिए माँ हलन प्लस माँ में से अलग हो गया, प्लस छ हलन छ में से अलग हो गया है, यहाँ पे प्लस प्लस हलन प्लस बड़ी, क्योंकि लगे बड़ी की मात्रा है। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, स्वर और व्यंजन इसमें से अलग अलग, इसको अब हम और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में केवल स्वर और वर्ण वही है, इसमें स्वर भी अलग हो गया और वर्ण भी अलग हो गया। अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते और टुकड़े इसके नहीं कर सकते। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से देखिए। जैसे यहाँ पे किसका पिक्चर है, कलश का, इसको मैंने लिखा है इसका शब्द कलश। अब इसमें मैंने केवल क्या किया है, अक्षरों को तोड़ तोड़ कर अलग किया है, इसमें से स्वर और व्यंजन को अलग नहीं किया। तो बना है प प्लस ल प्लस श। अब इसमें से मैं स्वर और व्यंजन को अलग करके दिखा रही हूँ। जैसे प हलन अ प्लस ल हलन अ प्लस श हलन प्लस जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें सब में अ की मात्रा जुड़ी होती है, और अगर व्यंजन के नीचे हम अलग लगा देते हैं उसमें स्वर अलग हो जाता है।
और व्यंजन वर्ण हो गया ह से ह। अगर इन वर्णों को हम क्रम से लिखते हैं तो इन क्रमों को भी हम वर्णमाला कहते हैं। अगर इधर उधर हम करके लिखेंगे तो हमारी हिंदी वर्णमाला नहीं बनेगी। इस तरह से बच्चों आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िएगा लिखिएगा और इसको याद करिएगा। थैंक यू।